हेलो गाइस, मैं प्रतीक शर्मा फिजिक्स एजुकेयर में आपका वेलकम करता हूं। आज की हमारी सेशन आउटलाइंस हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रोस्कोप, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी एंड लास्ट में हम एक लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था चार्ज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें या फिर प्रॉपर्टीज़ कह लें, तो आज हम उस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। आप बने रहेंगे पूरे वीडियो में क्योंकि लास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर्स, तो कंडक्टर होते क्या हैं? जब कभी कंडक्टर की बात आती है तो बच्चा ये समझता है कि वो चीज़ जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, मगर यहाँ पे कंडक्टर का थीम कुछ अलग है। कंडक्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ तो करंट की बात नहीं हो रही, यहाँ तो हम चार्ज की बात कर रहे हैं। और कंडक्टर में आखिर ऐसा क्या होता है, क्यों कंडक्टर चार्ज को फ्लो करवाता है, आखिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंडक्टर में तो क्यों करता है, तो इन चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे। तो थोड़ा सा कंडक्टर के अंदर हम लोग चलते हैं। तो अगर एक एटम को आप उठाएं कंडक्टर के, ठीक है, एक एटम कोई भी कंडक्टर हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, है ना। तो ये मान लो ये क्या है, न्यूक्लियस। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी चीज़ नहीं ले रहा हूँ। और ये जो मैंने बनाया है, ये बनाया है वैलेंस शेल। क्या बनाया है? वैलेंस शेल। इसी को बोला जाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के आसपास मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं एक सर्कुलर शेल में, ठीक है, सर्कुलर ही अज्यूम किया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसकी वजह से घूम रहा है? आखिर सर्कुलर मोशन करता है तो ये करने के लिए कहीं ना कहीं से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। हमने पढ़ा है 11th में, सर्कुलर मोशन चैप्टर में पढ़ा था, mv² / r। तो इसको कौन दे रहा है mv² / r? तो इसको mv² / r जो दे रहा है वो फोर्स हमको आगे पढ़ना है, कूलम्बिक फोर्स होता है, अगला टॉपिक हमारा वही होगा। तो कूलम्बिक फोर्स, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो न्यूक्लियस में होते कौन है? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और इस शेल में कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। अब होता क्या है, चूँकि जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो बढ़ते जाती है। और इस तरीके से जो सबसे लास्ट वाला सेल होता है, जिसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं या शेल कहते हैं, वहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होता है। कैसा बाउंड होता है? लूजली। अब लूजली बाउंड होने का माने क्या? ये लूजली बाउंड होता है तो ये आराम से, है ना, बाहर निकल जाता है और घूमने लगता है। घूमने का मतलब बाहर निकल के ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही हमारे फ्री चार्ज बन जाते हैं, और कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो यही होती है, ठीक है। तो इनका जो दूर हटना है किनका, इनका जो निकलना है किनका निकलना, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का, ये बहुत ही कम एनर्जी मिलने पे भी बाहर निकल जाते हैं। इवन रूम टेम्परेचर पे ही इनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये बाहर निकल करके मस्त मौला बन के घूमते हैं एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही वजह होती है जिस वजह से कंडक्टर्स जो होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर से एक बार, जो अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का, आउटर मोस्ट में जो शेल होते हैं उन शेल के में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनको, उनके पास कम होता है। क्या कम होता है? अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो लूजली बाउंड होते हैं, और ये लूजली बाउंड होने की वजह से आराम से ये निकल सकते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं। यही असली वजह होती है जिसकी वजह से आपका जो कंडक्टर है वो क्या करता है,
इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ट्रांसमिट करता है, क्लियर। मगर सर इंसुलेटर का क्या होगा, तो अब चर्चा कर लेते हैं इंसुलेटर का क्या होगा। दिखाई दे रहा है इंसुलेटर का क्या होगा, तो इंसुलेटर की भी हम लोग आओ एटॉमिक लेवल पे चर्चा करते हैं। मान लो ये किसी इंसुलेटर का आपका शेल है आउटर मोस्ट, ठीक है, और इसमें जो है ये हैं आपके पॉजिटिव चार्ज। देखो जो फेनोमेना यहाँ पे होता है वही फेनोमेना यहाँ पर भी होता है, मगर एक चीज़ ऐसी होती है इस इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन के साथ जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं होती है, और वो ये चीज़ है कि ये जो न्यूक्लियस है ये उस इलेक्ट्रॉन को, किस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को खींचे हुए रहता है। इलेक्ट्रॉन तड़पता रहता है निकलने के लिए, मगर न्यूक्लियस छोड़ता नहीं है, उसको कहता है इधर आ। अब ये बेचारा इलेक्ट्रॉन निकले तो कैसे निकले, मान लो इसको कहीं से एनर्जी मिली, कहीं से एनर्जी मिली और उस एनर्जी को लेकर के निकलना स्टार्ट कर रहा है, मगर न्यूक्लियस ने उसको फिर से वापस खींच लिया, वो बाहर नहीं निकलने देता, और इस वजह से ये जो मटेरियल है ये इंसुलेटर कहलाता है। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा तो कौन चार्ज को कैरी करेगा, नहीं समझ में आया, जब इलेक्ट्रॉन बाहर ही, इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं तो कौन लेके भागेगा एनर्जी को, चाहे वो हीट एनर्जी हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, ये एज अ कैरियर काम करते हैं, कौन, चार्जेस। और चार्जेस क्या होते हैं, हमेशा कंजर्व्ड होते हैं, किसके लिए, आइसोलेटेड बॉडी के लिए। तो ये वजह होती है कि इंसुलेटर इंसुलेटर की तरह काम करता है और कंडक्टर कंडक्टर की तरह। मेन डिफरेंस आप क्या बता सकते हो, कि कंडक्टर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है, तो एक शब्द में क्या आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि कंडक्टर में ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से ये क्या होता है, कंडक्टर होता है, और इंसुलेटर में देयर आर नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट्स बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, चलो मैं समझा आपको ये बात समझ में आई, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रोस्कोप, तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये तो कहानी थी भाई कंडक्टर और इंसुलेटर की, अब अगली कहानी हमारी है इलेक्ट्रोस्कोप की। इलेक्ट्रोस्कोप, बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक डिवाइस है, क्या है, डिवाइस विच मेजर्स द नेचर या साइन ऑफ चार्ज। ये क्या है सर, नेचर या साइन ऑफ चार्ज, इसका माने है कि वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो ये वो डिवाइस है जो मेज़र करती है, बताती है ना, सजेस्ट करती है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोस्कोप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको घर पे बना सकते हो, अगर टाइम मिला मेरे को तो मैं बना के आपको दिखाऊंगा, यहीं पे दिखाऊंगा, फिजिक्स एजुकेयर पे ही, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसके बारे में इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एक बनाने जा रहा हूँ, ये हमारा मटेरियल और इस पे बच्चों लगा हुआ है कैप, और यहाँ से ये ओपन है या इंसुलेटेड है, ठीक है। अब इसमें लगा हुआ है आपका एक ऐसा वायर और इस पे एक सरफेस लगी हुई है, और ये वायर आगे को ऐसे आता है, और ये मेटेलिक वायर होता है, कैसा वायर होता है, मेटेलिक कंडक्टर। अब इसमें लगी हुई है बच्चों ऐसे ऐसे दो मेटल की थीन फॉइल्स लगी हुई हैं, क्या लगी हुई हैं, थीन, देखने में आपको मोटा लग रहा है लेकिन ये थीन फॉइल है, ठीक है। अब जान लेते हैं, ये जो हमारा है ये है ट्रांसपेरेंट जार, ठीक है, और ये हमारा है इंसुलेटिंग
प्लास्टिक पाइप, इंसुलेटिंग कह दिया तो ये क्या है, इंसुलेटिंग कवर कह सकते हो, ठीक है। और ये जो है आपका, ये इसके ठीक बीचों बीच आ रहा है। अब ये अंदर होता है आपको दिखता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, कंडक्टर, कंडक्टर। और ये क्या है, ये है कॉन्टैक्ट सरफेस, या सरफेस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सरफेस, ठीक है जी। बाकी ये क्या है, कांच का मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट है। और ये क्या है, मेटेलिक थिन फॉइल्स। ये रहा आपका एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम, ठीक है, क्लियर है आपको सारी चीज़ें। देखें, ये मेटल का बना हुआ है, ये मेटल का माने कंडक्टर है, ये इंसुलेटिंग कवर, ये आपका मेटल्स के थिन फॉइल्स हैं, पन्नी जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, ये सरफेस है। तो ये हमारा एक स्कीमेटिक डायग्राम है किसका, तो इलेक्ट्रोस्कोप का। अब ये काम कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि अपने पास है ना, अपने पास मान लो ये मटेरियल है, ठीक है, इसको मैंने रब किया। अब रब किया तो होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही मैं इस सरफेस के करीब इसको ले जाऊँगा, तो ये मेटल का है, ठीक है, तो ये मेटल और ये मेटल, सॉरी, इस पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए एक्स्ट्रा, रब किया इलेक्ट्रॉन्स आए, इसको रखा, तो ये मेटेलिक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे कुछ इफेक्ट दिखाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं है ना, इस कंडक्टर से होते हुए यहाँ आएंगे, और यहाँ आने के बाद वो यहाँ पे बट जाएंगे, जिसकी वजह से दोनों पे क्या होगा, माइनस चार्ज। और ये दोनों जो फॉइल्स हैं ये कहाँ जाती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं, कहाँ जाती हैं, बाहर की तरफ। ये आप आराम से देख सकते हो, आप घर पे इसको ट्राई कर सकते हो। ये कब के लिए था, जब यहाँ पे हमने कैसा चार्ज लाया, माइनस। अगर मान लो कोई प्लस चार्ज आप लाते हो, तब भी सेम फेनोमेना आपको दिखेगा, क्यों, क्यों दिखेगा, ये सबसे बड़ी बात है, क्यों दिखेगा। तो आइए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, जब आप नेगेटिव लाओगे तो ये मेटेलिक, ये वायर यहाँ तक, दोनों पे बराबर चार्ज आ जाएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, रिपेल। ऐसे ये हवा में उड़ता है, मैंने किया है इसलिए मैं इतनी क्लैरिटी के साथ समझा सकता हूँ। ऐसे ये देखो, ऐसे है ना, तो ये ऐसे दूर जाएगा, ऐसे दूर जाता है, समझ में आ रहा है। पॉजिटिव लाओगे तो ये ऐसे दूर जाता है, ऐसे। अब मान लो आपने इसको पहले क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया, और इसके बाद आप क्या कर रहे हो कि दोबारा जब ये नेगेटिव चार्ज हो गया, मान लो नेगेटिव लाया, अभी नेगेटिव चार्ज है, अब आपने क्या किया कि यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, किस चार्ज को कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जैसा ही आप पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करोगे, तो ये देखा जाता है कि ये दोनों जो दूर भाग रहे थे, अब ये क्या करेंगे, पास आने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, अरे लाइक चार्ज रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो ये क्या हो रहा है, अब ये पास आ रहा है। तो इससे हमको एक बात समझ में आ जाती है कि जब कभी अपोजिट चार्ज इस पे रहेगा तो ये क्या आएंगे, पास, और जब सेम नेचर का चार्ज रहेगा तो ये क्या करेंगे, रिपेल। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से क्या पता कर लेते हैं, नेचर कैसा है चार्ज का। क्लियर है एकदम, डायग्राम बना लेना, समझ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये था हमारा डिवाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा पॉइंट है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि फिजिक्स जो है ना, वो एक समंदर की तरह है। छोटी छोटी बातों को जब तक आप सहजोगे नहीं ना, तो आप एक रात में है ना पूरी फिजिक्स तैयार नहीं कर सकते, है ना। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ होती है, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना होता है, और यही छोटी छोटी बातें मिलकर क्या बनाती हैं, कॉन्सेप्ट बनाती हैं। तो छोटी छोटी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, ठीक है, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। देखो, चार्जिंग करने के तीन तरीके हमारे पास हैं, किसी भी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। एक है
बाय फ्रिक्शन, माने फ्रिक्शन रबिंग से, और एक है बाय कंडक्शन, एंड लास्ट वन इज बाय इंडक्शन, है ना। तो देखो कंडक्शन, ये फ्रिक्शन में क्या होता है, रबिंग क्या होती है, फ्रिक्शन की थीम क्या है, रबिंग, रबिंग से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। अभी इसमें पूरे डीप में हम लोग जाएंगे, मैं आपको कीनोट बताते जा रहा हूँ। रबिंग की वजह से ये किसकी वजह से होता है, इसमें कॉन्टैक्ट की वजह से, किसकी वजह से, कॉन्टैक्ट की वजह से, कॉन्टैक्ट में लाते हैं, और ये किसकी वजह से होता है, सराउंडिंग की वजह से। बेसिकली ये हमारे लाइफ में भी होता है बाय इंडक्शन, अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा जब इस पॉइंट पे आऊंगा हमारी लाइफ में कैसे इंडक्शन होता है, है ना। मैं आपको बताऊंगा और आप मानोगे कि यस सर ऐसा होता है ना। चलो तो बात करते हैं बाय फ्रिक्शन की। अच्छा एक चीज़ और, इसको शॉर्टकट में हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, ओहो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, आपको क्या लगता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मेरे को तो लगता है फ्रिक्शन कंडक्शन इंडक्शन, नहीं आया, फ्रिक्शन कंडक्शन इंडक्शन, याद रखने का तरीका FCI, चार्ज, किसी चार्जिंग किसी भी बॉडी को आप चार्ज कैसे कर सकते हो, FCI से, फ्रिक्शन कंडक्शन इंडक्शन, क्लियर है। तो आओ एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन की बारी आती है, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, इसमें आपको लिखना नहीं है बस समझना है, ठीक है। फिजिक्स समझने के लिए बनाई गई, लेकिन लोग रट्टा मारते हैं क्या करोगे, ज़िंदगी है भाई, कुछ लोगों को पास होना होता है और कुछ लोगों को समझना होता है, तो समझने वाले तो समझेंगे ही, फिलहाल मेरी कोशिश आपको समझाने की, ठीक है। तो बाय फ्रिक्शन में आखिर ऐसा होता क्या है, मान लो ये कोई हमारा कपड़ा है, यूँ समझ लो कोई क्लॉथ है, और इस पे एक रूलर लिया है हमने, और इसको हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। रब करने से रूलर किसका बना हुआ है, मेटल का, मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को देना, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, ये क्लॉथ है आपका। तो यहाँ पे ये जो चार्ज का जनरेशन हुआ कैसे हुआ, क्या पहले से ये चार्ज था, नहीं, क्या पहले से ये क्लोथ चार्ज था, नहीं, मगर फिर भी जैसे ही अपन लोगों ने रबिंग का ऑपरेशन किया, जैसे ही हमने रब किया तो हुआ क्या, कुछ एनर्जी मिली, किसको, जो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री घूम रहा था उसको, वो तो पहले से ही पागल है, बागी है, वो भागना चाहता है, तो जैसे ही एनर्जी मिली तो वो तो पहले से ही तूफान मचा रखा था, थोड़ी एनर्जी मिली तो निकल लिया, और निकल लिया तो इन बेचारे को प्लस में छोड़ दिया, और जहाँ गया वो माइनस में आ गया, इसी को तो कहते हैं चार्जिंग, चार्ज हो गया कि नहीं। अब आप इसको सेपरेट कर लो, आराम से हो सकता है, मगर कोई पूछेगा मुझसे कि सर ये जो रबिंग हो रही है कोई ना कोई इसको पकड़े होगा, बिल्कुल सही बात है, और जो इंसान पकड़ा हुआ होगा, अब मान लो उस इंसान को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ये अपना बंदा ऐसे खड़ा है और ये इसको रबिंग करवा रहा है, ठीक है, एकदम मुस्कुरा भी रहा है, वाह वाह मैं रबिंग करवा रहा हूँ, बिना गर्दन वाला इंसान है, ठीक है, ये रबिंग करवा रहा है, इसको घसीट रहा है, इस पर फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। तो होता क्या है, देखो इस इंसान से ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ना, ये इस इंसान से होते हुए कहाँ चलाता है, इसमें, किसमें, इसमें अर्थ में, और यहाँ पे आके रिकम्बाइन हो जाता है ये, तो इस तरीके से रॉड पे तो कोई चार्ज नहीं दिखता, मगर इस क्लोथ पे तो चार्ज दिखेगा, इस क्लोथ पे चार्ज दिखेगा, और ये क्लोथ अब कैसा हो गया, चार्ज हो गया। इसको बचाने के लिए, इससे बचने के लिए अपन लोग एक तरीका अपना सकते हैं, वो क्या है, इस बंदे को हम कहें ना कि ले तेरे को मैंने एक कवर दे दिया ऐसा, ठीक है, ये कैसा, ये हैंडल है, कैसा है ये हैंडल, अब सोच के देखो ये प्लास्टिक का हैंडल, दैट इज इंसुलेटर, इस प्लास्टिक के हैंडल से क्या अब इसके हाथ से होते हुए आएगा वापस ये अर्थ में, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन हो गया, चार्ज को रास्ता ही नहीं मिल रहा है जाने को, बात समझ में आ रही है, अब रास्ता नहीं मिल रहा है तो नहीं जाएगा, और ये इस पे बना रहेगा और ये इस पे बना रहेगा, ये रियल फिल्म है ना हमारे डेली लाइफ में होती है। तो ये था
चार्जिंग बाई फ्रिक्शन का फेनोमेना। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, बाई कंडक्शन। इसमें आप ध्यान दें, ये जो आपका बाई फ्रिक्शन होता है ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बाई चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन का क्या मामला है? देखें, चार्जिंग बाई कंडक्शन जो है, इसमें मान लो ये दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, ये ए है और ये पहले से कैसा है, चार्ज्ड है। पहले से कैसा है, चार्ज्ड। ये कोई हमारा स्फीयर है बी, तो ये कैसा है, चार्ज्ड, और ये कैसा है, अनचार्ज्ड। ये चार्ज्ड है और वो कैसा है, अनचार्ज्ड। ठीक है, तो जैसा कि ये कंडक्शन मैंने आपको बताया था, ये कांटेक्ट की वजह से होता है। तो जैसे ही आप दोनों को कांटेक्ट में लाओगे, ये ए है और ये बी है, तो होगा क्या, देखो, इस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, कर उधर जा, ये कर रहे हैं उधर जा, तो खिसका खिसकी खेल रहे हैं, है ना। तो देखो, ये ऐसे खिसकते हुए पूरे सरफेस पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, और भाई जाहिर सी बात है उठेगा ही, है ना, बैरागी मन है, क्वेश्चन तो उठेगा ही। तो क्वेश्चन क्या उठता है कि मान लो पहले इस पे चार्ज था क्यू, है ना, तो अब इस पे चार्ज कितना होगा, आपको क्या लगता है, चार्ज बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? पहले क्यू था, अब इन दोनों को मिला दिया, तो चार्ज बढ़ेगा या घटेगा? अरे सर, चार्ज तो ना बढ़ सकता है ना घट सकता है, चार्ज तो कंजर्व्ड रहता है। बिल्कुल सही, लड़का बहुत सही बोल रहा है। क्या हो सकता है, चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है, तो ना ये बढ़ेगा और ना ये घटेगा, यानी ये पूरा मिला के अब कितना होगा, क्यू होगा। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड बॉडी था, तो ना ही इसका चार्ज बढ़ सकता है ना ही घट सकता है, चार्ज का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दोनों को मिलाया तो चार्ज उतना का उतना ही रहना चाहिए। अब ये बात पड़ती है जहन में, एक क्वेश्चन और आता है, कहीं ना कहीं इन दोनों का जो शेप और साइज है, अगर वो सेम हो जाए तो क्या होगा? तो इस पे जो चार्ज है वो q बाई टू, और इस पे जो चार्ज है वो q बाई टू, और मिला के फिर से q, अभी भी तो चार्ज कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज कंजर्वेशन, इसका वायलेशन हुआ समझ लो अपना कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, इसका वायलेशन कभी नहीं होता। तो अगर ये दोनों की साइज सेम रहती, अगर ये दोनों आइडेंटिकल होते, तो चार्ज क्या हो जाता, आधा आधा दोनों पे बढ़ जाता। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारा चार्ज बाई कंडक्शन। इसमें क्या क्या चीज़ें थी, एक बॉडी चार्ज थी और एक अनचार्ज थी, दोनों को हमने कांटेक्ट में लाया, कांटेक्ट मतलब जोड़ा गया, देख नहीं रहे हो, वायर से जोड़ो या किसी चीज़ से इसको जोड़ना पड़ेगा तुमको, तब जाकर के ये चीज़ें होंगी। क्लियर है? लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अब काहे का टचिंग टचिंग, क्या बिना टच के हम नहीं चार्ज कर सकते? कर सकते हैं, और उस मेथड को बोला जाता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो आइए अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चार्जिंग बाई इंडक्शन, मैंने आपको बताया था, है ना, कि ये हमारे लाइफ में भी होता है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। देखो ना, एक सिचुएशन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। मान लो आप ही हो और आप पबजी गेम खेल रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, पबजी गेम खेल रहे हो, घर पे हो, आपकी मम्मी क्या कर रही हैं, आपके लिए बढ़िया सा एक आइटम बना रही हैं, नाश्ता शाम का समय है, और वो जो समय है आप पबजी खेलते खेलते इतना व्यस्त हो गए हो, इतना बिजी हो गए हो कि आप भूल गए हो कि दिस इज़ द टाइम फॉर
ये वो टाइम है जब आपके पिताजी ऑफिस से घर आते हैं, बात समझ रहे हो, और आप खेल रहे हो बिंदास। अचानक से दरवाजे पे बजती है बेल, टिंग टोंग। तो आप समझ जाते हो कि ये हमारे पिताजी आ रहे हैं, फादर की हॉर्न है। फिर आप क्या करते हो, जैसे ही अब मम्मी जाती हैं दरवाज़ा खोलने, बोलते मम्मी दरवाज़ा खोल दे, ताकि आपको छुपने का टाइम मिल सके, है कि नहीं। तो जैसे ही पापा की एंट्री होती है, आप मोबाइल करते हो पीछे साइड और हाथ में होती है बुक, होती है कि नहीं, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी होता था, है ना। तो सामने होती है बुक और पीछे चला जाता है मोबाइल। तो आपने कहीं ना कहीं एक चीज़ को छुपाया और एक चीज़ को सामने लाए। कब, क्या आप नॉर्मल फिनोमेना में नॉर्मल टाइम पे ऐसा करते हैं? नहीं। कब किया? जब आपके पिताजी आए। तो यहाँ पे आपके फादर ने आपको क्या किया, इंड्यूस किया। क्या करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए, ना कि पबजी खेलने के लिए, है ना। लेकिन उसके पहले आप क्या कर रहे थे? बिंदास पबजी खेल रहे थे, आजकल बड़ा फेमस है ना पबजी गेम, बिंदास खेल रहे थे। वो आए और उनके आते ही तुम स्टार्ट कर दिए पढ़ाई करना, भले ही वो दिखावा का हो लेकिन कर तो रहे हो। ठीक उसी तरीके से है ना, ये हमारा मटेरियल, देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये हमारा मटेरियल कैसा है? अनचार्ज्ड। कैसा है? अनचार्ज्ड। और ये क्या है हमारे पास? एक ऐसा रॉड है जो कैसा है, इस पे हैंडल लगा हुआ है ना, ये चार्ज्ड है। कैसा है? मान लो नेगेटिवली चार्ज्ड हो, ये ऐसे चार्ज्ड है, ठीक है। तलवार नुमा ये है, ऐसे आप पकड़ के ले जा सकते हैं इसको, ठीक है। ये चार्ज्ड है। अब ये जो चार्ज्ड हैंडल है, ये दोनों एक टाइम पे अलग अलग थे, ठीक है। अब जैसे ही ये चार्ज हैंडल इसके करीब आता है, तो देखो सिनेरियो क्या बन जाता है, है ना। अब ये अनचार्ज्ड है तो इस पे जाहिर सी बात है प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, ऐसे चार्जेस होंगे कि नहीं इस पे, और होते हुए भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि इस पे नेट चार्ज क्या हो, ज़ीरो हो, क्लियर है। अब देखो जैसे ही वो रॉड इसके करीब आता है, जैसे ही ये रॉड इसके करीब आता है, ठीक है, ये जो है आपका, अब ये क्या करता है, तुम्हारी तरह अपना मोबाइल साइड करेगा और पढ़ाई वाली प्रॉपर्टी आगे। तो ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ना, वो खींच के आगे की तरफ आ जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज इसको कहीं ना कहीं ये छुपा लेता है। क्या कर लेता है? छुपा लेता है। ऐसा क्यों दिमाग में आया होगा, ऐसा क्यों? सोचो, ये माइनस, जैसे ही आप करीब लाओगे तो माइनस चार्जेस इस माइनस की वजह से क्या फील करेंगे? रिपल्शन, और वो दूर भागना स्टार्ट करेंगे। और पॉजिटिव चार्ज क्या फील करेंगे? सेम टाइम पे अट्रैक्शन, तो वो करीब आना स्टार्ट होंगे और वो आ करके नेगेटिव चार्जेस का स्वागत करेंगे, कहेंगे आ, और नेगेटिव दूर। अब ये पहला सिनारियो, ये दूसरा सिनारियो। इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट में, हम क्या करते हैं, इसको अर्थ कर देते हैं। सारा सिचुएशन हमारा सेम है, है ना, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। सारा सिचुएशन हमारा क्या है, सेम है, और हमने इसको क्या किया, अर्थ कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि, अब यहाँ पे क्या है कि ये क्या करता है, ये माइनस चार्जेस को क्या करता है, इधर की तरफ भेज देता है, और ये सारे जाके इधर रिकम्बाइन करके इधर की तरफ चले जाते हैं अर्थ में। कहाँ चले जाते हैं? अर्थ में, ठीक है, अर्थ में चले जाते हैं। तो बचता इधर पॉजिटिव चार्ज खाली। पॉजिटिव कहाँ नहीं जाता है अर्थ में, क्योंकि इससे वो अट्रैक्शन में है, ये हिल नहीं सकता, ठीक है, ये हिल नहीं सकता। तो देखें क्या होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम अर्थिंग को अब हटा देते हैं, किसको हटाते हैं, अर्थिंग को हटाते हैं, और इसको जैसे ही आप हटाओगे तो सिनारियो देखो ऐसा बन जाता है। ये जैसा रॉड था अपना वापस चला आया, ठीक है, ये जैसा था अपना वापस चला आया, और ये जो बॉडी है अब ये कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई। दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब रही बात क्वेश्चन की, तो वीडियो पूरा लंबा हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक्स।